बनाने जा रही हूँ केक रस। तो केक रस के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आपको नज़र ही आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, और मैदा मैंने लिया है 1 कप, 100 ग्राम मैंने लिया है बटर, हाफ कप मैंने ली है चीनी, 1 टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, 3 अंडे जाएंगे, बस इन्हीं चीज़ों से बनेगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं एक बोल के अंदर, और इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी। तो चीनी को मैंने पाउडर नहीं किया है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारीक है, तो इसको जो है हम बीट करेंगे, इसको फ्लफ़ी होने तक बीट करना है। तो ये देखें, इसको तकरीबन जो है मैंने 5 मिनट तक जो है अच्छे से बीट किया है। तो ये देखें कितना फ्लफ़ी और डबल हो गया है ये। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर वनीला एसेंस, 1 टीस्पून के जितना डाला है मैंने। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक इलायची भी डाल सकते हैं कूट के, वो भी बहुत अच्छी लगती है केक प्रेस में। इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर बटर। बटर जो है वो मैंने पहले से निकाल के रख लिया था, सॉफ्ट हो गया है मेरा बटर, तो इस तरह ही डालना है इसमें सॉफ्ट। यूजुअली जो हम केक्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम पहले जो है वो बीट कर लेते हैं बटर को, लेकिन केक रस में हम इस तरह करेंगे। और अब जो है मैं डालूंगी इसके अंदर मैदा, तो मैदे को हम छान के डालेंगे। तो पहले मैदे के अंदर मैं डाल दूंगी ये जो बेकिंग पाउडर है मेरे पास, 1.5 टीस्पून के बराबर, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मिक्स हो गया, अब इसको मैं छान के डालूंगी। 2 दफ़ा में डालेंगे इसको। इसके अंदर मैं डालूंगी ये फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। ये मैंने डाला है ऑरेंज और येलोइश है ये। और अभी मैंने इसके अंदर जो मैदा है वो हाफ ही डाला है, इसको मिक्स कर लेंगे फिर डालेंगे बाकी का। तो यहाँ पे मैंने जो है इस तरह से एक ट्रे ले ली है, अगर आपके पास बेकिंग पैन है तो वो भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे बटर से या ऑयल से, जो भी आपके पास है। और इसके ऊपर लगा दूंगी मैं ये पार्चमेंट पेपर, इसको भी हल्का सा कर देंगे। मेरे पास जो है वो राउंड में थे केक पैंस, तो इसलिए जो है मैंने ये वाली ट्रे ले ली है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी बैटर। तो ये देखें, इसको मैंने इसके अंदर सेट कर लिया है स्पैचुला की मदद से। तो अब मैं रखूंगी इसको ओवन में, और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 190 पर। आप अपने ओवन के हिसाब से जो है उसको प्री हीट करें, मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि 190 पर ये होगा, तो मैंने इसको 190 के लिए प्री हीट किया हुआ है। तो इसको मैं करूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए बेक करूँगी इसको। तो चलो इसको रखते हैं और मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। तो ये देखें केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है, और इसको मैंने ठंडा भी कर लिया इसी पर ही। तो अब इसको मैं निकालूंगी इसमें से, बहुत ही ईजीली ये निकल जाएगा। ये देखें अच्छे से मैंने जो है कम्प्लीटली इसको ठंडा कर लिया था। ये देखें ये तैयार हो गया है केक। अब इसके जो है मैं पीसेस काटूंगी। इस तरह से हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैंने अभी हाफ केक को काट लिया है, और यहाँ पे मैंने एक ले ली है ट्रे,
बेकिंग ट्रे, तो इसको हमने दोबारा से बेक करना है, तो इसको मैं यहाँ पे सारे सेट कर दूंगी। तो ये देखें, सबको मैंने इस तरीके से रख दिया है इसके अंदर। अब मैं इसको रखूँगी 15 मिनट के लिए ओवन में दोबारा से बेक करने के लिए, और 180 पे रखेंगे इसको। तो ये देखें, इसको जो है ओवन में से मैंने निकाल लिया है, और इसको जो है अभी 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं साइड चेंज कर दूंगी और दोबारा से इसको रखूँगी 10 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से इसके ऊपर कलर आ गया है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। इसको दोबारा से हमने बस रखना है इतनी देर के लिए कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें, जबरदस्त से जो है वो हमारे केक क्रस्ट बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही जबरदस्त बने हैं, बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये घर पे ही बनाए मैंने। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है, और मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना ज़बरदस्त बना है, ये देखें। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।